अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहसिन अनीफ। आज हम सिंगल एंट्री सिस्टम के मुताबिक हम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। तो उसकी लास्ट टाइम हमारी 6 प्रॉब्लम्स हो गई थी। आज हम प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ आते हैं और प्रॉब्लम नंबर 7 में देखते हैं इसमें क्या बताया हुआ है। तो प्रॉब्लम नंबर 7 अगर मैं आपको रीड करके बताऊँ तो उसमें लिखा हुआ है, मिस्टर सलीम हसन कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2016 विथ अ कैपिटल ऑफ ₹50,000। मिस्टर सलीम के बिजनेस है, ठीक है, उन्होंने एक जनवरी में 1 जनवरी को उनका कैपिटल है 50,000। ही इमीडिएटली परचेज फर्नीचर ऑफ ₹12,000। उन्होंने एक फर्नीचर परचेज किया 12,000 का। ऑन 1 अप्रैल 2016 ही बोरो ₹30,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर नासिर एट 10% पर एन एंड इंट्रोड्यूस अ फर्दर कैपिटल ऑफ हिज ऑन अमाउंटेड टू ₹19,000। ही हैड विदड्रॉन ₹1,800 एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर फैमिली एक्सपेंसिस। On the 31st December 2016, his position was as follows: cash in hand है, cash at bank है, sundry debtors हैं, stock है, bill receivable है, sundry creditors हैं और rent due है। नंबर नेक्स्ट बताया हुआ है, ascertain the profit or loss made by him after considering the following adjustment। अब adjustment कौन कौन सी हमारे पास है, सबसे पहले इसमें बताई हुई है depreciation है 10% on furniture के ऊपर, charge interest on capital है 10%, इंटरेस्ट इज अनपेड ऑन मिस्टर नासिर लोन, मिस्टर नासिर से हमने जो लोन लिया था उसके ऊपर जो इंटरेस्ट हमने चार्ज करना था पे करना था वो अभी तक अनपेड है। नंबर नेक्स्ट है राइट ऑफ ₹2,800 फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको, मिस्टर सलीम ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 जनवरी 2016 को, कैपिटल था 50,000। उन्होंने उसी टाइम पे एक फर्नीचर परचेज कर लिया कुछ अमाउंट का और अप्रैल में उन्होंने एक लोन लिया मिस्टर सलीम ने अपने फ्रेंड नासिर से, ठीक है, 30,000 का और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो है, और उन्होंने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया 1800 वो ईच मंथ वो अपने फैमिली एक्सपेंसिस के लिए विड्रॉ करवा रहे हैं बिजनेस से, और उनकी पोजिशन जो है 31 दिसंबर को वो बताई हुई है। अब उन्होंने एडजस्टमेंट में क्या हुआ कि पहले जो डेप्रिसिएशन है उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने लास्ट टाइम किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब एक है नंबर थर्ड पे इंटरेस्ट इज़ अनपेड। जब हम किसी से लोन लेते हैं हम उसको इंटरेस्ट भी पे करते हैं, तो जो इंटरेस्ट जब तक हम पे नहीं करेंगे वो हमारी लाइबिलिटी रहती है। लाइबिलिटी जो होती है वो हम उसको देखेंगे क्या लाइबिलिटी हमारी बनती है, कितने परसेंट इंटरेस्ट था और कब तक हमने नहीं पे किया हुआ। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ राइट ऑफ किया हुआ डेटर से, तो डेटर में से जो राइट ऑफ करते हैं वो हमारी न्यू प्रोविजन होती है, हम उसमें से माइनस कर देते हैं। अब इसको देखते हैं कि सोल्यूशन में इसमें क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, मिस्टर सलीम हसन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर लिखेंगे और डेट लिख लेंगे। अब करंट एसेट में सबसे पहले हमारे पास बताया उन्होंने कैश इन हैंड है उसकी अमाउंट है 1200। नंबर नेक्स्ट है कैश एट बैंक उसकी अमाउंट है 15,600 और नंबर नेक्स्ट पे बताया सन्ड्री डेटर्स हैं 28,800। यहाँ पे लिखेंगे 28,800 और उसमें से 2,800 जो है वो राइट ऑफ करना है, तो राइट ऑफ करके देखते हैं हमारे पास कितना ये आता है। 28,800 माइनस 2,800 ये हमारे पास आया 26,000। उसके बाद आपको स्टॉक बताया, स्टॉक की वैल्यू हमारे पास है 40,800 स्टॉक। उसके बाद बिल रिसीवेबल है उसकी अमाउंट है हमारे पास 9,600 है। अब आगे आ जाता है हमारे पास फिक्स एसेट है फर्नीचर, फर्नीचर अपने सेकंड लाइन पे है, ये क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट हुआ, ही इमीडिएटली परचेज फर्नीचर ऑफ ₹12,000। फर्नीचर हमने परचेज किया 12,000 का, तो 12,000 हमने फर्नीचर परचेज किया उसके ऊपर हमारे पास डेप्रिसिएशन है 10%, तो 12,000 का 10% ले तो ये हमारे पास 1200 आ जाती है। तो इसको माइनस करके हम लिखते हैं 12,000 माइनस 1200 ये आ जाती है 10,800 डेप्रिसिएशन माइनस की। अब लाइबिलिटी वाली साइड पे आते हैं, लाइबिलिटी वाली साइड पे सबसे पहले हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स की अमाउंट है हमारे पास 3,000 है, यहाँ पे 3,000 लिख लेंगे। उसके बाद रेंट ड्यू, ड्यू रेंट ड्यू का मतलब अभी पेएबल है, जब तक कोई चीज़ हम पे नहीं करते वो हमारी लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी है हमारे पास रेंट ड्यू की 900। उसके बाद लिखा हुआ है लोन फ्रॉम मिस्टर नासिर, यानी जो हमने बोरोड किया था अपने फ्रेंड मिस्टर नासिर से, कितना लोन लिया था हमने 30,000 का, तो यहाँ पे 30,000 लोन बन जाएगा आपका लोन लाइबिलिटी होती है।
इसी तरह आप उसने थर्ड एडजस्टमेंट में बताया इंटरेस्ट इज अनपेड ऑन मिस्टर नासिर लोन। मिस्टर नासिर जो हमने लोन लिया था 30,000 उसके ऊपर 10% पर एनम इंटरेस्ट था, वो अभी तक अनपेड है। तो अब पहले हम देखेंगे कितना बनता है। तो देखेंगे हम 30,000 है ये इंटरेस्ट ऑन लोन, 30,000 था इंटरेस्ट, 10% उसके ऊपर इंटरेस्ट परसेंटेज है, सॉरी 30,000 लोन था। अब देखें हमने लोन लिया कब है, ऑन 1 अप्रैल को, यानी 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक हम लोन इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करेंगे। जब हमने लोन लिया तब से हमने इंटरेस्ट दे रहा होता है। तो देखते हैं कि कितने मंथ का बनता है, अप्रैल 9 मंथ का, तो इसको 9/12 कर लेंगे, 9/12। तो ये देखते हैं कितना आता है हमारे पास, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आ जाता है आपका 2250, ये आपके पास लोन आ जाएगा, और सॉरी इंटरेस्ट आ जाएगा, इतना इंटरेस्ट अभी हमने अनपेड है। अब देखते हैं इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या हमारे पास कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है या कौन सी साइड इक्वल नहीं आ रही है। पहले इस वाली साइड पे देखते हैं 1200 है, फिर 15,600 है, फिर 26,000 है, नंबर नेक्स्ट आपका 40,800 है, फिर 9,600 है एंड 10,800, ये आ जाता है आपके पास 1,04,000, 1,04,000। लाइबिलिटी वाली साइड पे अगर हम देखते हैं, लाइबिलिटी वाली साइड पे हमारे पास है पहले 3,000 है, फिर 900 है, फिर 30,000 है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है 2250 है। ये हमारे पास लाइबिलिटी वाली साइड पे अमाउंट आ रही है 36,150, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 1,04,000। डिफरेंस कितना आ रहा है वो देख लेते हैं हम, ये डिफरेंस आ रहा 67,850। देखें 67,850 ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, 67,850 यानी बैलेंसिंग फिगर है कैपिटल एट द एंड। अच्छा ये देखिए जी, अब हमारे पास बैलेंस कितना आ गया एट दी एंड, 67,850। अब नेक्स्ट देखते हैं हमने क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनानी है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मैं आपको यहाँ पे इसके साथ ही बना के बता देता हूँ। ऐसे लिखेंगे हम मिस्टर सलीम हसन, अब यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016, ये हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी। इधर यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर, और यहाँ पे इस कॉलम में लिखेंगे हम अमाउंट 7 रुपीस। तो पहले लिखते हैं, हम देखते हैं कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कैपिटल हमारा एंड हुए कितना आया था 67,850। तो यहाँ पर लिख लेंगे 67,850, इसके अंदर हम ऐड क्या कर देते हैं, अगर हमें ड्राइंग्स की बनाओ ड्राइंग्स, अब आपके पास ड्राइंग्स कितनी थी 1800 पर मंथ था, तो 1800 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है हमारे पास
1800 मल्टीप्लाई बाई 12 21,600। इसको एक दफ़ा कन्फर्म कर लेते हैं। हाँ जी 1800 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है। तो ये आ जाता आपका 21,600, वो ऐड करेंगे तो कितना आता है 67,850। ये आ जाएगा हमारा 89,450। इसमें से हम लेस क्या कर लेते हैं, लेस हम कर देते हैं फर्दर कैपिटल। फर्दर कैपिटल हमें बुक में गिवन है 19,000। तो ये 19,000 हम इसमें से माइनस करते हैं, तो देखते हैं जी हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल कितना आता है। ये आ जाता है 70,450। ये आ जाएगा आपके पास एडजस्टेड कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। इसमें से हम माइनस क्या कर देते हैं, कैपिटल एट द बिगनिंग। कैपिटल एट द बिगनिंग हमें पास दिया हुआ था 50,000। ये 50,000 माइनस करेंगे आ जाता है हमारे पास 20,450। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट। इसमें से माइनस क्या कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, अब ये हम इसको फाइंड आउट करेंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वर्किंग क्या है। अब इसको मैं थोड़ा सा रेज कर रहा हूँ, यहाँ पे देखते हैं वर्किंग है जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं हम ओपनिंग कैपिटल के ऊपर और फर्दर कैपिटल के ऊपर। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास था 50,000। 50,000 का अगर 10% ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 5,000। और फर्दर कैपिटल हमारे पास था 19,000 और इसका अगर 10% लें, लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ और देखनी है कि हमने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस कब करवाया। देखें लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2016 ही बोरोड रुपीज 30,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर नासिर परनम एंड इंट्रोड्यूस एंड इंट्रोड्यूस से मुराद है कि उसी डेट को हमने फर्दर कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करवाया। तो फर 9 मंथ का बन जाएगा अप्रैल से दिसंबर तक। अच्छा, तो इसमें जो फर्दर कैपिटल था हमने इंट्रोड्यूस करवाया था अप्रैल में, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक हम देखेंगे कि हमारे पास कितना फर्दर कैपिटल आता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना आता है। तो देखते हैं, हम 19,000 फर्दर कैपिटल था, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट था और ये 9 मंथ का हमने कैलकुलेट किया था। तो 9 मंथ का कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है इसका 1,425। अब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता 6,425। 5,000 आपका ओपनिंग कैपिटल का इंटरेस्ट था और 1,425 जो था वो आपका फर्दर कैपिटल का। इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया 6,425। तो 6,425 को जो हमने प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट निकाला था उसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1,40,250। ये आपका आंसर है, एक मैं कैलकुलेट कर लूँ, 20,450 - 6,425 आपका 14,025 है, ये ज़ीरो नहीं है, 14,025 आपका आंसर आएगा प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट।
प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ये कब लेते हैं और आफ्टर कब चार्ज करते हैं, जब अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया गया हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कब करते हैं, फर्दर कैपिटल के ऊपर चार्ज किया जाता है और बिगिनिंग कैपिटल के ऊपर, जिसको हम ओपनिंग कैपिटल भी कह सकते हैं, उसके ऊपर चार्ज किया जाता है। तब हम पहले बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट आंसर निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, और उसके बाद आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट दोनों को देखेंगे। इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले हमारे पास कितना प्रॉफिट था, और अगर हम उसके बाद इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं तब हमारे पास कितना प्रॉफिट बचता है। तो वो हमारा 14025 आंसर है, ठीक है जी। ये आपका इसकी प्रॉब्लम यहाँ तक सॉल्व की गई है, ये आपका आंसर है बुक में एग्जैक्टली। तो नेक्स्ट जो हम इसको इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, जो आपका नया टॉपिक है, तो उसके लिए आप पहले इस चैप्टर को अच्छी तरह से गो थ्रू कर ले। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बेहतर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो लिहाजा इसलिए आप इसको लाजमी देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।